अभी तक आपने पंचायत सहायक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले सबसे पहले, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। पंचायत सहायकों के लंबे संघर्ष के बाद कल 8 तारीख को जो उनको एक छोटा सा आश्वासन मिला है कि उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, यानी कि प्रशासनिक स्वीकृति मात्र मिली है, ऐसे सचिन पायलट ने कहा है। पंचायत सहायकों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी, पायलट ने कहा है। उप मुख्यमंत्री एवं ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री सचिन पायलट ने बताया है कि पंचायत सहायकों के कार्यकाल को आगे बढ़ाने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है और वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होते ही कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा। पायलट ने सोमवार को विधायक अविनाश के विधानसभा में शून्यकाल में उठाए गए मुद्दे पर हस्तक्षेप करते हुए बताया कि पंचायत सहायकों के लिए जो व्यवस्था 2 वर्ष के पूर्व बनाई गई थी उसको आगे बढ़ाना जाना चाहिए। इसके अनुसार प्रतिवर्ष इनके कार्यकाल को एक वर्ष करके बढ़ाया जाता है और वर्तमान में 26,383 पंचायत सहायक हैं जिनको प्रतिमाह 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं। माह के बाद विभाग द्वारा पंचायत सहायकों के कार्यकाल की अवधि 1 वर्ष बढ़ाए जाने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है। राज्य वित्त आयोग एक्शन टैगर रिपोर्ट के बाद जैसे ही वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो इनका कार्यकाल अगले 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। विधायक बलवंत वान बुनिया ने पंचायत सहायकों को नियमित करने की मांग उठाई थी। यहाँ दोस्तों वही लॉलीपॉप हार लगी है, वापस इनको कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि अभी तक इन्होंने स्पष्ट ये नहीं कहा कि इनका कार्यकाल बढ़ाया ही जाएगा, क्योंकि इन्होंने वित्त स्वीकृति में इतना टाइम क्यों लग रहा है, 2 महीने बीत गए हैं, इनको इतना टाइम लगने का मतलब ये है कहीं ना कहीं इनके अंदर नकारात्मकता अभी तक विराजमान है। और पंचायत सहायकों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अपने संघर्ष को कमज़ोर ना होने दें, वरना आप वहाँ से बिखर गए उसके बाद आपके लिए वो की तस चमस जो समस्या है तस की तस बनी रहेगी। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप संघर्ष को जारी रखें, जब तक ठोस परिणाम आपके हाथ ना लगे तब तक संघर्ष को जारी रखें।